अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर नान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आप पहले भी हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 साल से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अपनी क्लिनिक भी रन कर रहे हैं माशाल्लाह। हज़ारों के हिसाब से पेशेंट हमारे पास तशरीफ लाते हैं, बाहर मुल्कों से भी लोग मेडिसिन मंगवाते हैं, पाकिस्तान के अंदर हर शहर में लोग मंगवाते हैं, ठीक है। इसी तरह पार्सल हमारे पास तैयार होते हैं, यहाँ से हम जो पार्सल अभी देखें कि ये लाहौर का पार्सल है और उसके बाद ये कराची का है, ठीक है, और ये पार्सल है ये भी कराची का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर शहर में, हर क्वेटा, पिशावर, लोरेलाई, अमेरिका, ठीक है, पाकिस्तान, हर जगह हमारी मेडिसिन जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेडिसिन का रिजल्ट होता है, हमारी जो भी प्रोडक्ट होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। आज मैं जिसके टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है मर्दाना कमज़ोरी का मसला, ठीक है। मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, किस वजह से होती है और इसका लाह अमल क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है। सबसे पहले बात यह है कि आजकल जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, आजकल के जो नौजवान लड़के वो तरह तरह की वीडियोस देखते हैं जिसकी वजह से उनके जहन ख़राब होते हैं, उनको शहवत बहुत ज़्यादा आती है और कतरे शुरू हो जाते हैं। जब कतरे आते हैं तो ये देखें कि जब एक मसाना जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है, गर्म होता है मसाना, तो मादा मनवी जो है, जो मादा मनवी, जो मादा तुलीद है, मादा मनी जो है वो गर्म होने की वजह से पतली हो जाती है। पतली होती है तो जो बारीक रगे होती हैं उसमें से वो रिसना शुरू हो जाती है और कतरे टप टप करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी सोच आती है, थोड़ा सा ख्याल आता है तो कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टामे ख़राब हो तो ये मसला होता है, उसके बाद अगर गुर्दे ख़राब हो तो फिर भी ये मसला हो सकता है। उसमें देखें कि बंदे को आज के मौसम में, जैसे अभी हल्की गर्मियाँ हल्की सर्दी चल रही है, कम अज़ कम 12 गिलास पानी के पीने चाहिए। इतना बड़ा गिलास जो नॉर्मल गिलास होता है, 12 गिलास पानी के लाजमी पिए, सर्दी है, गर्मी है, पीने पीने, ठीक है। और वाक करनी है, सबसे मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि वाक, लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, वाक लाजमी है, कम से कम आधे घंटे की, 10 मिनट की, 20 मिनट की वाक लाजमी है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ मेडिसिन आपको बताऊँगा, कुछ खाने की चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, ये बता रहा था कि मसाना जब गर्म होता है तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं और बहुत से बच्चे जो है ना वो मुशदनी का शिकार हो जाते हैं, मोटिवेशन जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा मुशदनी करते हैं, ठीक है। मुशदनी की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आप मादा तुलीद बहुत निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से कमर की हड्डी में, पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। चेहरों पर छाइयाँ आना शुरू हो जाती है, चेहरे पर छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद रंग जो है ना वो बेरौनक सा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है। बहुत से लोगों को गर्मी की वजह से इतलाम आना शुरू हो जाता है और जो बहुत ज़्यादा जमा करते रहते हैं, शादी का टाइम आ जाता है तो रगें कमज़ोर होती हैं, टाइमिंग नहीं होती, इंतशार नहीं होता, सख्ती नहीं होती। जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंतशार में, जो प्यार मोहब्बत में लंबे होकर लेटते हैं तो प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी करते हैं, ठीक होते हैं, बिल्कुल टाइट होता है। जैसे ही वो ऊपर आते हैं, ठीक है, ऊपर आते हैं तो अदाए तरासल जो बिल्कुल स्वीत रुख में होता है तो वो ब्लड फ्लो होता है, तो जिसकी वजह से वो ढीला होने लग जाता है, ठीक है। अब वो ढीला होने लग जाता है तो वो फिर इसके माइंड में यही होता है कि वो जल्दी से जो है ना वो जल्दी से इन कर देता है, ठीक है। जब इन करता है तो वो एक दो झटके से फारिग हो जाता है, उसकी ताकत नहीं रहती जो उसकी ताकत होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, फिर आगे अपनी बेगम के सामने शर्मिंदे होने वाली बात होती है, टाइमिंग नहीं होती, टफ से सख्ती नहीं होती, इंतशार नहीं होता, ढीलापन होता है। इसके लिए परमानेंट मुस्तकिल तौर पे जो मेडिसिन होगी वो आपको बता देते हैं कि इसमें देखें कि टना टन कैप्सूल है, ठीक है, टना टन कैप्सूल बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर होता है, आउट ऑफ कंट्री लोग लेके जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई, इटली, फ्रांस, अमेरिका, इसमें कोई कुछता नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह प्योर जड़ी बूटियों से तैयार करता है, आयुर्वेदिक है, देसी है, अल्हम्दुलिल्लाह पे गुर्दे, मसाने, लीवर पे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। आप अपना जिस्म में खाएं, आपके अंदर थकावट है, आपको कतरे आते हैं, मनीकारी नहीं है, टाइमिंग नहीं है, इवन के जहाँ पे लोगों के जर्सीम नहीं बनते, जो बे औलाद फिर रहे हैं, पस सेल का मसला है, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल है, टना टन कैप्सूल जो है, अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना इसका इस्तेमाल करें, इसको 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप ओके हो जाएंगे, आपको बार बार मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मादा मनवी जी है वो गाढ़ी हो जाएगी गोंद की तरह, वो निकलेगी नहीं, कतरे आना बंद हो जाएंगे, और जो आपने गलत कार्यां की हैं उसका भी अजाला हो जाएगा, वो फुल ताकत फुल पावर आ जाएगी, जिसमें मर्दाना कमजोरी का नामो निशान नहीं होगा और आप एक जिंदा दिल मर्द बन के रहेंगे। और इंशाल्लाह जब तक आप जिंदा रहेंगे आपका दिल, आपका नफ्स जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये टना टन कैप्सूल ऐसी शय है जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स देख सकते हैं, माशाल्लाह
बहुत अच्छे रिव्यू हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं इसके। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस बंदे ने भी इस्तेमाल किया है वो इसकी तारीफ करता है, ठीक है। इधर भी हम पाकिस्तान मुजफ्फरगढ़ क्लिनिक में जो तशरीफ लाते हैं पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह इसी मसाइल के होते हैं, जो हर दूसरा पेशेंट यही मसाइल लेके आता है उसके लिए टर्न टर्न हम रेकमेंड करते हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मंगवाने के लिए हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आप इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।